Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. In my YouTube channel, the areas to be covered are civil engineering, GATE previous year questions, ESE previous year questions, and many more. If you like the videos, then like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं किसके, जेके पीएससी के, ठीक है, जेके पीएससी, ठीक है, जेके पीएससी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के क्वेश्चंस, ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हमारे पास, ठीक है, हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसका ये पेपर है, ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो है हमारे पास 2 आवर्स, ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 120 मार्क्स, ठीक है, और मैक्स और क्वेश्चन जो है इसमें दिए हैं वो भी कितने दिए हैं क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, इनको हमने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में, ठीक है, 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, सॉइल एंड फाउंडेशन, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसमें सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, सेकंड पार्ट में हम इसमें कवर करेंगे सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, थर्ड पार्ट में इसमें हम थर्ड में हम इसमें कवर करेंगे सर्वेइंग एंड फोर्थ पार्ट में इसमें हम कवर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस पूरे पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसके हम वन बाय वन क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है, हम कर रहे थे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए, आज हम चौथा सेक्शन का देखने जा रहे हैं, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक का सेक्शन, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक के सेक्शन में हम देखेंगे पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे आज, पार्ट 1 क्या हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर है 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, इन एल्यूवियल चैनल्स, ठीक है, इन एल्यूवियल चैनल्स द बेड पार्टिकल्स आर इनिशिएटेड टू मोशन व्हेन, ऑप्शन देखेंगे हम, व्हेन पार्टिकल्स आर फाइनर देन साइज The bed shear stress is just enough to overcome the frictional resistance. The water depth is small. The particles are loosely packed. So, this answer is my pass. The bed shear stress is just enough to overcome the frictional resistance. Okay. My pass. The bed shear stress is enough. है. शेयर बट शेयर स्ट्रेस हमारे पास इनफ है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, इन एन ओपन चैनल मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी एट ए गिवन फ्लो एंड मैक्सिमम फ्लो At a given specific energy occurs when fluid's number is unity, less than unity, equal to zero, none of the above. ठीक है, तो इसका आंसर है none of the above. ठीक है, 83. क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, If rectangular channel is constructed, ठीक है, If a rectangular channel is constructed, The water surface is elevated in a contracted portion. If the approaching flow is, अगर approaching flow हमारे पास क्या होगा?
सुपर क्रिटिकल होगा, ठीक है। इसमें ये क्या बता रहा है, इफ रेक्टेंगुलर चैनल इज कॉन्ट्रैक्टेड, अगर रेक्टेंगुलर चैनल को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब रेक्टेंगुलर चैनल कुछ ऐसे आ रहा है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, ठीक है। इज कॉन्ट्रैक्टेड द वाटर सरफेस इज एलिवेटेड इन द कॉन्ट्रैक्टेड पोर्शन, ठीक है। वाटर जो इस कॉन्ट्रैक्टेड पोर्शन में क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इफ द अप्रोचिंग फ्लो इज, अगर अप्रोचिंग फ्लो हमारे पास क्या होगा, सुपर क्रिटिकल होगा। अगर तो अप्रोचिंग फ्लो सब क्रिटिकल होगा तो पहले से ही हमारे पास वेलोसिटी वगैरह उसकी कम ही होगी, ठीक है। तो डिस्चार्ज भी कम ही होगा, तो उसकी वजह से जो हमारे पास वाटर है वो राइज नहीं करेगा। लेकिन सुपर क्रिटिकल के फ्लो के केस में क्या होगा, जैसे ही हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वाटर सरफेस क्या करेगी, एलिवेट करेगी, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन एक बार देख लें, तो हमारे पास क्या है, सब क्रिटिकल फ्लो हम देख लेते हैं, सब क्रिटिकल क्या होता है और सुपर क्रिटिकल क्या होता है। सब क्रिटिकल फ्लो इज डोमिनेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड बिहेव्स इन ए स्लो और स्टेबल वे, ठीक है। जो सब क्रिटिकल फ्लो है हमारे पास, सब क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, हमारे पास फ्लो नंबर लेस देन वन के बराबर होता है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लो इज डोमिनेटेड बाय इनर्शिया फोर्स एंड बिहेव्स एज ए रैपिड और अनस्टेबल फ्लो, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो, इसमें हमारे पास जो फ्लूइड नंबर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है। एंड एक होता है हमारे पास क्रिटिकल फ्लो, इसमें हमारे पास जो फ्लूइड नंबर है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए वेंचुरी फ्लूम द स्टैंडिंग वेव विल, ऑप्शन ए है अकर एट एनी सेक्शन, अकर एट द थ्रोट, अकर एट द एग्जिट ऑफ ए वेंचुरी फ्लूम, नॉट अकर एट एनी सेक्शन इन द वेंचुरी फ्लूम। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन बी, अकर एट द थ्रोट, ठीक है। तो हमारे पास वेंचुरी फ्लूम है, ठीक है। हमारे पास वेंचुरी फ्लूम में जो स्टैंडिंग वेव है वो अकर करती है एट द थ्रोट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 85, द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स इन अ चैनल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एट ए डेप्थ ऑफ, हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर करती है एक चैनल है हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। एक चैनल है हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, उसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर करती है किस डेप्थ पे अकर करती है, 0.81 टाइम्स द चैनल डायमीटर, ठीक है। किस डेप्थ पे, 0.81 टाइम्स द चैनल डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, लामिनर फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब वाज स्टडीड एक्सपेरिमेंटली बाय, हमारे पास लामिनर फ्लो एक होता है थ्रू ए सर्कुलर ट्यूब, वाज स्टडीड एक्सपेरिमेंटली बाय, किसने स्टडी किया था लामिनर फ्लो के बारे में एक्सपेरिमेंटली, हैगन एंड पोस्टुली ने, हैगन एंड पोस्टुली, ठीक है। सो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमने क्या निकालना है इसमें, डिस्चार्ज निकालना है इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट मीन्स क्यू निकालना हमने, ठीक है। फॉर लामिनर फ्लो थ्रू ए पाइप, फॉर लामिनर फ्लो थ्रू ए पाइप के थ्रू, ठीक है। इसमें जो डायमीटर दिया है हमारे पास 0.04 मीटर, ये क्या हमारे पास डायमीटर डी, ठीक है। हैविंग ए सेंट्रल लाइन वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास वेलोसिटी दी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें डिस्चार्ज निकालना है, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, हमें पता है डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। तो एरिया कितना हमारे पास होगा, सर्कुलर पाइप है, दैट मीन्स पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वेयर इंटू
वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर। डी कितना हमारे पास 0.04 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास 1.5, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 1.5, 1.5, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना बन जाएगा, पाई इंटू 1.6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10^3, ठीक है। ये बन जाएगा 24 पाई डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है, इक्वल टू 24 पाई डिवाइडेड बाय 4000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से और डिवाइड भी करेंगे 1.25 से, तो ये बन जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 5000, ठीक है। ये है इसका आंसर, 3 पाई डिवाइडेड बाय 5000। किस में है हमारे पास आंसर, 3 पाई डिवाइडेड बाय 5000। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। 93 क्या कह रहा है, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज, हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है उसका हमने एसेंशियल फीचर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास लार्ज डिस्चार्ज, हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड प्रेशर एट ए पॉइंट एग्जिबिट इरेगुलर फ्लक्चुएशंस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी एट ए पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी एंड प्रेशर एट ए पॉइंट एग्जिबिट इरेगुलर फ्लक्चुएशन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी और जो हमारे पास इसका जो प्रेशर होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है, टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन ए जिगजैग वे। तो फ्लूइड पार्टिकल क्या है, जिगजैग वे से वे में वो करता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन ए जिगजैग वे द एडीज फॉर्मेशन टेक प्लेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एनर्जी लॉस, ठीक है। एडीज प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कि हमारे पास हाई एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94, the parameters which determine the friction factor for turbulent flow in a rough pipes, ठीक है। इसका आंसर है हमारे पास Reynolds number and relative roughness, ठीक है। Reynolds number and relative roughness are the parameters that are used to determine the friction factor for turbulent flow in rough pipe, ठीक है। Next question हमारे पास question number 95, 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी लॉस इन पाइपलाइंस इज ड्यू टू, जो एनर्जी लॉस होता है पाइपलाइंस में वो किसकी वजह से होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय पाइप एज वेल एज विस्कस एक्शन। तो दो चीजों से हमारे पास जो एनर्जी लॉस होता है किसकी वजह से, एक हो गया फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो पाइप में होता है, जैसे ये पाइप है हमारे पास, इसमें कुछ अंदर फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, एनर्जी लॉस होगी उसकी वजह से। एक होगा विस्कस एक्शन, विस्कस एक्शन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड में कुछ विस्कोसिटी होगी, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, एनर्जी लॉस किसमें, पाइपलाइंस में, ठीक है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।